9 बज गए और अभी तक ये कमबख्त अफसर नहीं आया। अरे तुमने उसे दावत भी दी थी कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल दी थी। अगर उसे अपने वक्त की परवाह नहीं तो कम से कम हमारी परवाह तो होनी चाहिए। लो सरकार वो आ गए। आइए आइए राम बाबू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने इस नाचिस को दावत पे क्यों बुलाया। समझ में नहीं आया तो अभी आ जाएगा। कहिए आप क्या लेंगे? विस्की, रम, जिन, ब्रांडी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। पीते नहीं तो आज से पीना शुरू कर दीजिए। मिलजुल कर शराब पीने से दोस्ती और ज्यादा बढ़ती है राम बाबू। मेरी आपसे दुश्मनी थी ही कब? दुश्मनी तो आपने आते ही शुरू कर दी थी साहब, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम तो दोस्ती चाहते हैं और उसी दोस्ती के नाते ये एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, इसे रिश्वत मत समझिए, ये तो दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा है। ले लीजिए। ये तोहफा नहीं, हथकड़ी है। हथकड़ी? जब आप सब कुछ जाने गए हैं तो फिर हमारी दोस्ती को क्यों टुकराते हैं? मैं आपकी इस दोस्ती को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ ठाकुर। इन नोटों पर उन बेगुनाहों के खून हैं जिन पर आपने कोड़े बरसाए हैं। लोग यहां अपनी मौत से नहीं मरते, वही मरते हैं जिनका जीना आपको मंजूर नहीं होता। ठाकुर अभी वक्त है, अपने आप को सुधार लो वरना कल बहुत देर हो जाएगी। राम बाबू, जैसे तेज से तेज तलवार म्यान को नहीं काट सकती, उसी तरह इस इलाके का बड़े से बड़ा अफसर हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये गांव हमारा है और यहां का कानून भी हमारा है। हम चाहते हैं कि आप इस गांव में रहें, हमारे बनकर सुखी रहोगे। मैं सरकार की तरफ से इस गांव की रक्षा करने आया हूं, इसे सुधारने आया हूं और मैं अपना ये फर्ज पूरा करके ही रहूंगा। गुड नाइट। इस उम्र में इतना बोझा क्यों उठाते हैं आप? पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। तो फिर बोझा क्यों उठाते हैं? सरकार ने आप लोगों को जमीनें दी है, खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? सरकार ने दी तो है, बीच में हड़प करने वाले भी तो बैठे हैं। किसने हड़प किया आपकी जमीन? हम बताते राम बाबू, हम बताते हैं। ठाकुर ने जबरदस्ती कागजों पर इन लोगों के अंगूठे लगवा लिए और इन लोगों की जमीनें हड़प कर ली। अभी बेचारे क्या करें? बिना इजाजत हमारी हवेली में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत को दाखिल होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है ठाकुर साहब, और मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूं। तुम्हें वहम हो गया है अफसर कि इस गांव में अत्याचार मिटाने के लिए तुम एक अवतार बनकर आए हो। कीड़े मकौड़ों को मारने के लिए अवतार की जरूरत नहीं होती है ठाकुर। बस बंद करो, ये गांव इतना बड़ा नहीं है कि जहां हम भी रह सकें और हमारे दुश्मन भी। ठाकुर, तुमने गरीबों का खून चूसकर उनको दी गई जमीनें हड़प करके बहुत दिन ऐश कर लिए, लेकिन अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। दिन तो तुम्हारे खत्म हो चुके हैं बेवकूफ लड़के। पिस्तौल को हाथ में बच्चे भी पकड़ सकते हैं, मगर उसे चलाना बच्चों का काम नहीं। ऑफिसर शट अप। गांव वालों के पास पीने को पानी नहीं और तुम शराब में नहाते हो, उनके पास खाने को रोटी नहीं और तुम दावतें उड़ाते हो। सरकार ने उन्हें जमीनें दी हैं और तुमने उन्हें छीन कर अपनी तिजोरी में बंद कर रखा है। चाबी दो, चाबी दो।
आइंदा गांव वालों को धमका कर स्टैंप पेपर्स पर उनके अंगूठे लगवाने की हिम्मत नहीं करना, समझे? क्या सरकार, ये अफसर तो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है, उसकी ये हिम्मत कि वो हवेली तक भी आ पहुंचा? आई, हमने भी अगर इस हरामजादे अफसर के हाथ पांव ना कटवा दिए तो हमारा नाम भी ठाकुर विजय सिंह नहीं। लीजिए श्यामलाल जी, ये जिन जिन के कागजात हैं उन्हें दे दीजिए। राम बाबू की जय! राम बाबू की जय! राम बाबू की जय! क्या हो गोपी, इतने घबराए हो क्यों? तुम घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो। मैं भगवान हाँ, मेरे साथ जरा अंदर आओ। कमोती, मैं तुझे बाबू बनाता हूं आज। चलो मोदे, कम ऑन माय हैंडसम बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड, या वाह, बिल्कुल बाबू लग रहे हो। हाँ मोती, जरा गोपी को बाहर ले जाना, चल जा, गुड बॉय। इसे वीडियो कैमरा कहते हैं, इससे ली हुई चलती तस्वीर हम जब चाहे देख सकते हैं। हाँ ओके, बढ़िया। हाँ बहुत अच्छे हैं, किसने दिए? समझ गए, राम बाबू ने दिए हैं ना? सचमुच गरीबों के लिए तो वो देवता है। हाय, कोई डाका है मोती? Thank you. That's a good boy. शहर के ऑफिस से तार आया है, फौरन जाना पड़ेगा। मोदी, ब्रीफ केस ले आना बेटे। आज ये चांद इस वक्त कैसे निकल आया? तुम्हारे लिए हलवा बनाया था, वही लेकर आई हूँ। हलवा तो मैं खा लूंगा, मगर इस तरह बनठन के निकलोगी ना तो किसी की नीयत खराब हो जाएगी। किसकी हिम्मत है जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे? सही बात है। बहुत लजीज है। लजीज अच्छा नहीं है? मेरा मतलब है बहुत मीठा है। अरे थैंक्स मोती, तुम कहीं जा रहे हो? अच्छा हुआ तुम चली आई, वरना मुझे तुम्हारे घर आना पड़ता ये बताने के लिए कि मैं शहर जा रहा हूँ। क्या तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? अरे पगली, गांव छोड़कर कैसे जा सकता हूँ,
तुम जो यहाँ हो, ये मेरे बस की बात नहीं है, नौकरी का मामला है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जाना भी कि आज ही जरूरी है, कल मेरा जन्मदिन है और मैं घर में अकेली होंगी। क्यों, बाबू कहाँ है? बापू भी शहर गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं मोती को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। ओके, देखो मोती, मैं शहर जा रहा हूँ, कल तक लौट आऊंगा। बिजली घर में अकेली है, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। अरे मगर इसमें रोने की क्या बात है, मैं कल शाम को ही लौट कर आ रहा हूं ना। अब मैं चलूं, बहुत देर हो गई है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। चले, कल के जन्मदिन की मुबारकबाद मैं आज ही दे देता हूं। मोती, अच्छा बड़े, थैंक यू। बिजली का अच्छी तरह से ख्याल रखना। हाँ, शाबाश बड़े। मुझे नहाने जाना है, तू यहीं बैठ। मोती के बच्चे, मैं